यस, सो इमेज, इमेज क्या होती है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, इमेज इमेज क्या होती है? सो द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, ये रियल इमेज होती है। ठीक है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सेम साइड में ही ये इमेज बनती है, तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। दो टाइप की इमेजेस होती हैं, एक रियल इमेज होती है, रियल इमेज, और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है? मतलब इन्वर्टेड फॉर्म होगी ये, और सेम साइड ऑफ द मिरर होगी। और द इमेज व्हिच कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ली जाएगी, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो होती है, दे आर ऑलवेज इरेक्ट एंड आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनती है ये इमेजेस। ठीक है, अब देखिए मिरर, मिरर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिरर्स, मिरर मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लास। ठीक है, मिरर क्या होता है? इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लास। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इंसिडेंट ऑन इट। इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ेगी उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर्स, दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अ प्लेन मिरर इज अ थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, हैविंग अ शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल। ठीक है, सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है इसके ऊपर। जो प्लेन मिरर्स होते हैं ना, उनकी पिछली वाली साइड में सिल्वर कोटिंग होती है, या तो एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। ठीक है, एक साइड में। फिर इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैसे बनेगी? उसमें इमेज, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ठीक है, वो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी एंड सेम साइज की होगी। सेम साइज, ठीक है, जो प्लेन मिरर की बात हो रही है। ठीक है, एंड द इमेज फॉर्म्ड विल बी एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जैसे हम शीशे में अपनी इमेज देखते हैं, तो वो जितनी दूर हम शीशे से, जितनी दूर हम खड़े हैं, अंदर भी उतनी ही दूर होंगे। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम अपनी इमेज देख रहे हैं शीशे में, हम टू 1 फीट या 2 फीट डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो इमेज कितने फीट डिस्टेंस पे होगी? तो वो तो इमेज जो बनेगी वो हमसे कितनी होगी, वो डबल डिस्टेंस जो है वो दूर होगी। देखिए, 2 फीट जो है वो शीशे के बाहर है और 2 फीट शीशे के अंदर होंगे, तो मतलब 4 फीट दूर जो है वो हमारी इमेज बनेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार सिंपली। ठीक है, तो ये जो प्लेन मिरर होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो जितने हम शीशे से दूर खड़े हैं, उतने ही अंदर भी शीशे से दूर इमेज बनेगी हमारी। ठीक है, देन आफ्टर दैट सफेरिकल मिरर्स, ये प्लेन मिरर के बारे में बात होगी। देन आफ्टर दैट सफेरिकल मिरर्स, यस, सफेरिकल, सफेरिकल मिरर। ठीक
ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक कनकेव मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर, और दूसरे होते हैं कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर्स, ठीक है, कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर्स। तो कनकेव मिरर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। जो कनकेव मिरर होते हैं, द स्फेरिकल मिरर विद द इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, मींस ये जो कनकेव मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे करके होंगे, ठीक है, कनकेव मिरर जिसमें ये बाहर वाली साइड सिल्वर कोटिंग होगी और ये जो अंदर वाली साइड है दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कनकेव सरफेस बोलेंगे इसको, फिर हम यहां से रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, कनकेव, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर हुआ और कन्वेक्स मिरर इससे अपोजिट हो जाएगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा कनकेव मिरर के बारे में देख लेते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आपको जैसे स्पून होता है ना, उसकी जो अंदर वाली सरफेस होगी, ठीक है, अंदर वाली जो सरफेस होगी वो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं लाइक कनकेव मिरर, ठीक है। और उसके कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो ये बाहर वाली जो सरफेस होगी दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर वाली साइड में कनकेव कवरी वो होगी सिल्वर की कोटिंग, ठीक है, अंदर वाली साइड में इसकी कोटिंग होगी सिल्वर कोटिंग, और ये जो बाहर वाली है दिस सरफेस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द आउटर कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड एज द कन्वेक्स मिरर, ओके। अब इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेजेस कैसे बनती हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज अपसाइड डाउन, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो अपसाइड डाउन होगी, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बोलेंगे जिसको, ठीक है, वर्चुअल मतलब उल्टी इमेज बनेगी। कौन सा कन्वेक्स मिरर को करूं रिपीट, यस कन्वेक्स मिरर, ओके। हाँ, तो ये जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो आपको मैंने वही बताया कि उसकी जो अंदर वाली साइड होती है, बाहर वाली साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और अंदर वाली साइड अब सिल्वर कोटिंग वाली आएगी कन्वेक्स में, ठीक है। और मतलब द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इनवर्ड जो होगी जो सिल्वर कोटिंग वाली होगी सरफेस, ठीक है, उससे नहीं रिफ्लेक्शन होगी। और ये स्पून की तरह ही, जैसे आप स्पून को पकड़ो उसको पिछली साइड से अगर देखो उसकी शाइनिंग सरफेस को, तो वो कन्वेक्स मिरर की तरह शो होगा आपके लिए, ठीक है। और जो इमेज बनेगी कन्वेक्स मिरर में वो इमेज बनेगी अपसाइड डाउन, ठीक है, मतलब जो अपसाइड है वो डाउन बनेगी उसकी इमेज, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में। अब यूजेस ऑफ मिरर्स, यूजेस ऑफ मिरर्स, जो कनकेव मिरर्स होते हैं दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, ठीक है, कनकेव मिरर्स जो होते हैं, अच्छा कनकेव में कैसे मिरर बनती है, ओके, कनकेव में जो मिरर बनती है वो रियल इमेज बनती है, इसमें वर्चुअल बन रही है उसमें रियल इमेज बनेगी कनकेव में, ठीक है, कनकेव मिरर में रियल इमेज, यस रियल इमेज बनेगी। तो इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट फार फ्रॉम द मिरर, अगर
मिरर से काफी दूर रखा हुआ है तो कैसी बनेगी, तो इनवर्टेड बनेगी उसमें इमेज, इमेज ठीक है। व्हेन इट इज ब्राउट क्लोजर, जब उस ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले जाया जाएगा तो क्या होगा भी, जो कनकेव मिरर है उसमें इरेक्ट इमेज बनेगी और थोड़ी सी साइज भी बड़ा होगा ठीक है। हाँ, सो द इमेज फॉर्म्ड विल बी लार्जर और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मिरर ठीक है। मतलब मिरर से कितनी दूर आपने डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को रखा है, पास रखा है कि दूर रखा है ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कनकेव मिरर में। और जो यूजेस हम पढ़ रहे थे ठीक है, तो यूजेस ये जो कनकेव मिरर हैं दे आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस ठीक है, व्हीकल्स, हेडलाइट, व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें कनकेव मिरर लगा होता है ठीक है। और जैसे शेविंग मिरर जो होते हैं ठीक है, टू सी द लार्जर ऑब्जेक्ट, लार्जर इमेज ठीक है, बाय डेंटिस्ट एंड इन सोलर एनर्जी बेस्ड अप्लायंसेस टू फोकस द सन रेज ठीक है। तो ऐसे करके कनकेव मिरर के जो थे ये यूजेस थे। और कन्वेक्स मिरर जो होता है, जैसे हमारी गाड़ी के जो रियर व्यू वाले जो मिरर मिरर्स होते हैं, रियर मतलब पीछे का जिसमें दिखता है, तो वो वाले जो मिरर्स होंगे तो वो कौन से मिरर, कौन सा टाइप होता है, वो कन्वेक्स होते हैं, वो कन्वेक्स, कन्वेक्स ठीक है। कन्वेक्स मिरर जो होते हैं दे आर यूज एज रियर व्यू और साइड व्यू ऑफ द मिरर इन द व्हीकल्स ठीक है। ये कॉमनली यूजेस थे मिरर्स के। देन लेंसेज, अब लेंसेज कैसे होते हैं, पहले तो मैं आपको ऐसे मतलब जनरल सा एक तो पॉइंट बता देती हूँ कि लेंसेज और मिरर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो लेंसेज जो होते हैं वो फोकस करते हैं लाइट को, और मिरर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ये जनरली आपने याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंसेज एंड मिरर्स, दैट लेंसेज फोकस द लाइट ठीक है, वेयर एज द मिरर्स रिफ्लेक्ट द लाइट, ये एक पॉइंट हो गया। और लेंस जो होते हैं वो क्लियर होते हैं बिल्कुल ठीक है, और मिरर्स की रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, वो रिफ्लेक्टिव होते हैं मिरर्स ठीक है। और वी कैन सी थ्रू द लेंसेज, ये थर्ड डिफरेंस है, वी कैन सी थ्रू द लेंसेज वेयर एज वी कैन नॉट सी थ्रू द मिरर्स, मिरर्स के आर पार हम नहीं देख सकते हैं लेकिन लेंस के दूसरी तरफ हम देख सकते हैं ठीक है। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेज बिटवीन द मिरर एज वेल एज द लेंसेज, गॉट इट। सो अब देखिए जो लेंसेज होंगे लेंसेज और मिरर के बीच में, आपको डिफरेंस क्लियर है सभी को ना। अब ये जो लेंसेज होंगे, ओके नो मैम कौन बोल रहा है, अच्छा मैं एक बार फिर से इन तीनों डिफरेंसेस को आपको रिपीट कर देती हूँ ओके। तो लेंसेज फोकस द लाइट, लेंसेज क्या करते हैं, लाइट को फोकस करते हैं ठीक है, एक पॉइंट पे फोकस करेंगे या उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे करके रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, बाइफ्रिकेट करेंगे, वो आगे मैं टाइप लेंसेज के बताऊंगी तो कन्वेक्स और कनकेव जो है उनके डायग्राम से मैं आपको बता दूंगी ठीक है। तो लेंसेज जो होते हैं वो फोकस करते हैं लाइट को, और जो मिरर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को ठीक है। और जो सेकंड है लेंसेज, लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, जिसकी हम आर पार देख सकते हैं ठीक है। और जो मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि उनकी एक साइड में कोटिंग होती है करी हुई है ना, इसलिए, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसी चीज को। और जो तीसरा डिफरेंस, हाँ तीसरा डिफरेंस जो है, वी कैन सी थ्रू द लेंस है ना, हम लेंस के थ्रू देख सकते हैं उसको, और जो मिरर्स होते हैं उनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं है ना, उसे सीधी इमेज ही बनेगी हमारी, उसके दूसरी साइड हम नहीं देख सकते हैं ठीक है, जो हम मिरर्स की बात करें तो ठीक है, क्योंकि मिरर्स की वन साइड जो होगी वो कोटेड होगी,
उसमें कोटिंग होती है, वो तो आपको पता है, ये सिल्वर मेटल की या तो एल्यूमिनियम मेटल की कोटिंग होती है उसमें, ठीक है। इसलिए लेंसेज के थ्रू हम देख सकते हैं और मिरर्स के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ये जनरल सी आपको डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट, स्टार्टिंग विद लेंसेज, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि लेंसेज से हमें इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है या कुछ, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो लेंसेज होते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टेकल्स, है ना, मतलब जो चश्मे वगैरह लगते हैं, है ना, टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स में यूज होते हैं, ठीक है। और जो लेंसेज होते हैं विच आर वो बीच से थिक होंगे, देन मतलब दो टाइप के लेंसेज होंगे ना, एक कन्वेक्स होंगे और एक कनकेव होंगे, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज जो होंगे वो कैसी होगी शेप उनकी, ये शेप होगी, ठीक है। यहाँ से टेपरिंग एंड्स होंगे ना इधर से, और बीच से थिक होगा, ठीक है। और जो कनकेव की अगर हम देखें, कनकेव तो कनकेव लेंस में ऐसे करके बनती है शेप, ठीक है। तो ये सेंटर से क्या होंगे, ये सेंटर से थिन होंगे एज कंपेयर टू द बॉर्डर्स, मतलब दोनों साइडों से मोटे होंगे लेकिन सेंटर से ये थिन होंगे, ठीक है। तो ये कनकेव होंगे, और जो कन्वेक्स होंगे वो साइडों से टेपर होंगे, टेपर मीन्स बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं ना, मतलब वहां से थिकनेस कम होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द सेंटर, ठीक है। सो लेंस विच फील थिकर इन द मिडल देन दैट ऑफ द एजेस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये जो इमेज बनाते हैं इनसे, इसको डायग्राम बता देती हूँ अलग से, कि इमेज कैसे बनाते हैं ये कन्वेक्स लेंसेज, ये लाइट को कन्वर्स करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्स करते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसके ऊपर लाइट पड़ रही है यहाँ से, है ना, समझ लिए, यहाँ से लाइट पड़ रही है, ओके। फिर क्या होगा, ये लाइट को क्या करेंगे, ये कन्वर्ज कर देंगे एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये इकट्ठी कर देंगे लाइट को यहाँ पर, बिल्कुल फोकस होके गिरेगी लाइट, है ना। और जो कनकेव होंगे वो डाइवर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट मीन्स जैसे ये हमने कनकेव मिरर लिया, ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, लाइट को ये यहां से ऐसे करके रिफ्लेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये बाइफ्रिकेट कर देगा, मतलब बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, स्प्रेड कर देगा, यस अर्चना यू आर राइट, ठीक है। सो ये मेन डिफरेंसेस हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बीच में। सो अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस इज वर्चुअल, ठीक है, एंड और साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और द लेंसेज विच फील थिनर फ्रॉम द मिडल, ये मैं कंकेव के बारे में बोल रही हूँ, द लेंसेज विच फील विच जिसको हम फील कर सकें, मतलब टच करके चाहे, थिनर फ्रॉम द मिडल देन द एजेस आर नोन एज कंकेव लेंसेज। और ये जो कंकेव लेंसेज होते हैं दे आर डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब लाइट को फैलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है, डाइवर्जेस द लाइट एंड देयर फोर इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट लेंसेज, ठीक है। एंड इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल और स्मॉलर इमेज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ, ठीक है, लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब लाइट बीम
किसी प्रिज्म से होके पास करेगी तो वो डिस्पर्स हो जाएगी कितने में, विबग्योर में। ठीक है, तो आपको सभी को विबग्योर का पैटर्न पता है, विबग्योर की फुल फॉर्म पता है? हाँ यस, ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? 7 कलर्स होते हैं इसमें। और द रेड कलर इज डेविएटेड लीस्ट, है ना? एंड द वायलेट कलर इज डेविएटेड मोस्ट। फिर उसके बाद ह्यूमन आई, जो मेन है, ह्यूमन आई और इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन आई, अब हमने लेंसेज वगैरह के बारे में, लाइट की डिस्पर्शन वगैरह के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए ह्यूमन आई में क्या होता है। ह्यूमन आई, अब ह्यूमन आई इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारी जो आंख है। ठीक है, इट हैज स्फेरिकल शेप। ठीक है, इसमें स्फेरिकल शेप होती है। सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आई आईज आर एज फॉलोज, है बताती हूँ मैं अब नीचे आपको। जैसे कॉर्निया, आयरिस, लिखती चलती हूँ, चलो, कॉर्निया, कॉर्निया, आयरिस, ये पार्ट्स ऑफ आईज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली प्यूपिल, देन आफ्टर दैट रेटिना, रेटिना, और उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, स्पॉट। ठीक है, दीज आर द मेन फाइव मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है, वो जो व्हाइट मतलब आउटर व्हाइट कोट इज कॉल्ड कॉर्निया, जो हमें व्हाइट कलर का दिखेगा वो क्या होगा, वो कॉर्निया होता है। इट प्रोटेक्ट द इनर, इट प्रोटेक्ट द इंटीरियर फ्रॉम द एक्सीडेंट। ठीक है, बाई चांस मतलब लगे वगैरह तो वो अंदर वाले पार्ट्स को बचाता है, कॉर्निया। ठीक है, और जो आयरिस होता है, द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको आयरिस बोलते हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग इन टू द आईज, एंड द कलर ऑफ आई इज डिफाइंड मतलब डिफाइंड बाई इट। ठीक है, यस, मतलब आयरिस जो होता है इसके ऊपर, यस हाँ, तो ये जो डार्क कलर का होता है ये होता है, और ये कंट्रोल करता है लाइट को। ठीक है, कि लाइट मतलब ज्यादा लाइट में ये थोड़ा वो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और ब्राइट लाइट में ये थोड़ा मतलब चौकड़ा हो जाता है। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें तो आयरिस। ठीक है, और जो कलर होता है हमारी आई का वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इज द स्मॉल ओपनिंग इन द आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल के बीच में अगर ध्यान से देखो तो एक बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और उसके बाद आता है रेटिना। तो रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई। ठीक है, लाइट सरफेस ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड एज यू ऑल नो। ठीक है, इट कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स विच आर रोड सेल्स एंड कोन सेल्स, है ना? रोड सेल्स जो होती हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, वाइल द कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व्स एंड द रेटिना देर आर नो सेंसरी सेल्स, वहां पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं और विजन भी नहीं बनता वहां पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर सारी सारी नर्व्स वगैरह जो है वो जा रही होती हैं और आ रही होती हैं, है ना? ठीक है, तो इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि उसमें इमेज भी नहीं बनती। अब देखिए आई डोनेशन में कौन सा पार्ट डोनेट होता है आई का। यस, वेरी गुड अर्चना, यस, आई डोनेशन में कॉर्निया डोनेट किया जाता है।
ठीक है, पूरी पूरी आंख ही नहीं खोल के डाल देते हैं या कुछ, उसमें सिर्फ कॉर्निया जो है दैट इज डोनेटेड, ठीक है। और जो कलर होता है आई का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आयरिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और द इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना इज अबाउट 1/16 ऑफ सेकेंड, मतलब इतनी जल्दी इमेज बनती है, ठीक है। और जो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है ऑफ विच वन कैन रीड इज 25 सेंटीमीटर, ये भी कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, वेरी गुड अर्चना, ठीक है। सो उसके बाद हम इसके डिफेक्ट्स के बारे में, आईज के जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, विजन। तो इसमें सबसे पहले मायोपिया आ जाता है, ठीक है, मायोपिया, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है, मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अ पर्सन हु कैन सी नियर बाय द ऑब्जेक्ट क्लियरली, यस, वेरी गुड। कंकेव लेंस यूज होता है इसके करेक्शन के लिए, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, पहले ये देखिए कि अ पर्सन हु कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है उनको वो क्लियरली देख सकता है, बट कांट सी द फारर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज सेड टू हैव द डिफेक्ट ऑफ विजन दैट इज कॉल्ड मायोपिया, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो पर्सन है दैट कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। के बाद डेफिनेशन आ जाती है कि इस मतलब ये डेफिनेशन की लिख देंगे इसकी मायोपिया की, और बताएंगे कि ये कौन सा डिफेक्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे मायोपिया का तो आपको पता लग जाएगा ना, ठीक है। तो कई बार डेफिनेशन का भी पूछ लेते हैं। फिर अब ये जो हाँ दूसरा जो है वो हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसमें क्या है, मायोपिया जो है दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कंकेव लेंस, ठीक है। और उसके बाद आता है लॉन्ग साइटेडनेस, भी बोलते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया को, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, यस, हाइपर मेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, फारर ऑब्जेक्ट्स जो है उनको वो देख सकता है, हैव डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और ये किस मतलब कौन से रीजन की वजह से ये राइज होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ बिकम्स लार्ज, इसमें फोकल लेंथ जो है वो लार्ज हो जाती है, जिस वजह से ये डिफेक्ट कॉज होता है, ठीक है। आई वॉल बिकम टू शॉर्ट, या तो फिर आई वॉल जो होती है वो काफी छोटी हो जाती है, ठीक है। एंड इट इज करेक्टेड ड्यू टू बाई यूजिंग द लेंस विच इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको दूर किया जा सकता है, ओके। देन आफ्टर दैट कैटरेक्ट, कैटरेक्ट इज ऑल्सो अ आई डी, मतलब आई डिजीज है ना, इसको आई की प्रॉब्लम है कैटरेक्ट भी। और ये जो होती है, चलो नाम लिख देती हूँ, कैटरेक्ट, यस, कैटरेक्ट, तो यार कभी कभी लिखा नहीं जा रहा है इसमें ढंग से, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जो होता है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ये हम कल पढ़ रहे थे ना। तो जो कैटरेक्ट होता है डिजीज, इसमें होता क्या है, इसमें एक तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। और इसमें लेंस जो होता है वो ओपेक हो जाता है, ठीक है,
और इसको द कोज ऑफ पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है. एंड इट इज द यस, हाँ ठीक लिख रहे हो आप भारती जी, ठीक है. तो इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी. इसमें इसका जो ऑपरेशन से ही ये ठीक होता है, ये ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं जिसको, उससे ठीक होता है ये, ठीक है. उसके बाद एक और आई डिफेक्ट है, दैट इज एस टी ठीक, या नहीं लिखा जा रहा है इसमें. एस्टिगमेटिज्म, ठीक है. एस्टिगमेटिज्म जो है ये भी मतलब इट इज आल्सो कॉज्ड बाय एन इररेगुलर शेप ऑफ लेंस, ठीक है. ठीक है. सो इट कैन बी करेक्टेड विद द ग्लासेस. ये जो एस्टिगमेटिज्म जो है, इट इज एन आई कंडीशन विद द ब्लर्ड विजन. इसमें ब्लर्ड विजन आता है, ठीक है. एंड द कॉर्निया ऑफ पर्सन विद हेलो यस, हाँ द कॉर्निया ऑफ अ पर्सन विद एस्टिगमेटिज्म इज नॉट कर्व्ड प्रॉपरली, क्योर्ड प्रॉपरली, है ना. इसमें क्या होता है कि इसमें इरेगुलर शेप हो जाती है लेंस की, एंड इट कैन बी करेक्टेड विद द ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज या रिफ्रेक्टिव लेजर सर्जरी या इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज, ठीक है. ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें मतलब क्योर करने के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है. और जो इस डिजीज के लिए जो लेंसेस होते हैं मेनली, वो होते हैं टॉरिक, ठीक है. कॉन्टेक्ट लेंसेस फॉर एस्टिगमेटिज्म इज कॉल्ड टॉरिक, ठीक है. ये टॉरिक नाम बताया, नाम दिया हुआ है, ठीक. उसके बाद देखो, एक मैं जनरल सी बात बताऊं कि द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज द ब्रेल, है ना. माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स लाइक सेल्स, बैक्टीरिया, है ना. तो ये लेंसेज कई यूज बता रहे हैं कि माइक्रोस्कोप्स में कैसे होता है. टेलीस्कोप्स जो इतनी दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हम, उनमें जो लेंसेज यूज होते हैं उनको हम बड़ी इजीली देख सकते हैं ना. फिर इसके बाद हम देखते हैं साउंड एनर्जी के बारे में. इतने डिफेक्ट्स काफी हैं, ठीक है. आगे फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे. साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. ये आपको पता होना चाहिए कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती है. ये आपको ध्यान रखने वाली बात है. साउंड एनर्जी, ठीक है. तो साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. इट नीड्स अ मीडियम, ठीक है. कोई ना कोई मीडियम उसको जरूरी चाहिए. या तो गैसियस मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड्स में भी ट्रेवल कर सकती है. लेकिन इनकी जो वेरी करेगी, इनकी स्पीड जो है वो वेरी करेगी कि कितनी स्पीड के साथ किसी तक पहुंचेगी वो आवाज. लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए. वैक्यूम में बिल्कुल भी लाइट जो वो ट्रेवल नहीं हो सकती है, ठीक है. और ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये कैसे ट्रेवल करती हैं? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है. और इनको हर्ट्ज मतलब इसके जो यूनिट्स होते हैं साउंड के वो हर्ट्ज होते हैं. हर्ट्ज, जिसको HZ से डिनोट किया जाता है, ठीक है. और देखो जो हम
हमारी जो सुनने की जो वो फ्रीक्वेंसी होती है, द साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स, उनको इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। और जो हमारी ऑडिबल रेंज आएगी वो आएगी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 Hz तक, ठीक है। और जो इससे कम की, 20 हर्ट्ज से कम जो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होंगी उनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स बोलेंगे उनको। लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक वेव, एंड मोर देन 20,000 होगी ऑडिबल रेंज, आगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो हमारी ऑडिबल रेंज है ना। और 20,000 से ऊपर की जो रेंज है उसको क्या बोलेंगे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो होगी वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी। कौन सी होंगी वो, अल्ट्रा सोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। ये देखिए इसका एक एग्जांपल है, जैसे जो सोनार सिस्टम होता है व्हिच इज फाउंड इन नेविगेशन एंड अरेंजिंग व्हिच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फॉर इट्स वर्किंग, ठीक है। जो नेविगेशन सिस्टम पता है ना, वो जो नाविक होते हैं वो यूज करते हैं इन सिस्टम्स को, ठीक है। और इससे क्या पता लगता है, इट इज यूज इन शिप्स टू लोकेट द सी रॉक्स, कि आगे कोई चट्टान तो नहीं है, कोई आइसबर्ग तो नहीं है, ठीक है, या कोई और सबमरीन तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये इन साउंड्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये साउंड एनर्जी के बारे में हो गया थोड़ा सा। और लाइट एनर्जी, अब देखिए लाइट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है इट अराइज बिकॉज वर्क इज डन इन मूविंग फ्री चार्ज कैरियर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन साइड द कंडक्टर। ये कंडक्टर्स के बीच में होती है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये चार्ज फ्लो करने की जो बात हो रही है उसको बोलते हैं। तो वो होते हैं करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। मेटल्स में होता है ये, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो एम्पियर होते हैं, ठीक है, इन यूनिट टाइम। और इसका जैसे करंट को डिनोट करते हैं आई से और क्यू ओवर टी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर इसके जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स होते हैं वो होते हैं एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, AMPER, एम्पियर, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट करंट जिसको डीसी के नाम से जानते हैं, और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट दो टाइप का होता है, एसी एंड डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जिसको हम ड्रॉ करें डायरेक्ट करंट को तो कैसे करेंगे, जैसे ये सीधा ही ये टाइम चला हुआ है और करंट जो होगा वो ऐसे ही फ्लो